राम राम जी सबको। तीन बहनों की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे और स्वस्थता के ऊपर ही स्वस्थ कैसे रहा जाए, अपने शरीर को किस तरह से अच्छा रखा जाए, अपने स्वास्थ्य को कैसे सुरक्षित रखा जाए, बीमारियों से कैसे बचा जाए, तो इसके बारे में मैं बताऊंगी। क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं, मैम आप फिजिकल एजुकेशन टीचर हो, बच्चों को आप कैसे खिलाते हो, कैसे वार्म अप कराते हो, वो कैसे फिट रहते हैं बच्चे, और आपकी टीम कैसे जीतती है। तो बड़े सारे क्वेश्चन हैं मेरे पास, तो अभी सारों ने पूछा है, तो मैं उसके बारे में आपको कुछ बताने जा रही हूँ कि हमें अपना स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखना चाहिए। तो सबसे ज़रूरी है कि हमारा मन स्वस्थ होना। अगर हमारा मन स्वस्थ है तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा। लेकिन मन स्वस्थ कब होता है? मन स्वस्थ होता है जब हमारा खान पान और रहन सहन सब अच्छा हो। समय से सोना, समय से उठना, सुबह उठकर सबसे पहले क्या लेना, क्या खाना, क्या पीना। तो जी हमें सबसे पहले सुबह उठकर वर्कआउट कैसे करते हैं, धीरे धीरे 10-10 मिनट के ब्लॉग बनाकर आपको मैं बताया करूँगी कि कैसे वर्कआउट करना चाहिए और कैसे क्या क्या खाना चाहिए। तो सबसे पहले हम सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो उठकर हमें एकदम भागना नहीं चाहिए। अपने बिस्तर पर बैठो, 5 मिनट भगवान का नाम लो, धीरे धीरे अपने पैरों को, क्योंकि संतुलन हमारा शरीर लेटा हुआ होता है, और उठकर हम एकदम भागते हैं तो हमारे शरीर में अटैक आने का या बीमार होने का या चक्कर आने का डर होता है कि इसके बाद। तो जैसे बच्चे भी उठते हैं तो पहले बच्चे को उठाइए, प्यार से बिठाइए, फिर उसको नीचे उतारिए। तो ये सबसे पहला है कि उठकर हमें एकदम नहीं भागना चाहिए। दूसरे नंबर पर उठकर सबसे पहले हमें वॉशरूम जाने के बाद पानी पीना चाहिए, और पानी हमें ठंडा नहीं, सर्दियों में गुनगुना पानी गर्म करके, यानी कि हल्का गुनगुना पानी कम से कम 2 गिलास पीजिए। अगर आप 1 किलो पानी पी सकते हैं तो सबसे बेस्ट है, लेकिन आधा किलो पानी हमें नित्य प्रति पीना चाहिए सुबह उठकर। उससे आपके फेस पे भी चमक आती है, और आपने जो भी खाया पिया है रात को तो हमारा जैसे पेट साफ़ होता है, तो पानी अगर हम गर्म पानी पियेंगे तो आपका सारा पेट बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाएगा। पेट साफ होता है तो हमारी बीमारियां भी नहीं रहती, कब्ज़ वगैरह भी नहीं रहती, तो उससे हमारा शरीर बड़ा स्वस्थ बनता है। पानी पीना इम्पोर्टेंट है, और हमें पानी के ही बारे में बताऊँगी। पानी कम से कम हमें दिन में 2 किलो पानी कम से कम पीना चाहिए। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो कम से कम 2 किलो, नहीं तो 5 लीटर पानी अगर जो इंसान पीता है ना, तो उसका वेट वो मोटा कभी होगा ही नहीं। अगर आप 5 लीटर पानी पियेंगे तो आप कभी भी मोटे नहीं होंगे, क्योंकि शरीर में कोई बीमारी ही नहीं रहेगी। तो सबसे पहले 2 गिलास पानी उठकर पीना है। उसके बाद हमें खाना पीना, जो खाना है सुबह हल्का खाना खाना है, ब्रेकफास्ट जरूर करना है हमें उठकर। और ब्रेकफास्ट करेंगे तो हमारा खाना भी, सबसे पहले हमें जैसे चाय पीते हमें हम मैं भी चाय पीती हूँ, लेकिन जैसे छोटे बच्चे हैं तो हमें चाय ज़्यादा नहीं पिलानी चाहिए। सुबह हमें दूध और उसके साथ फुलका लेंगे सबसे बेस्ट है। बिस्किट लेते हो आप या ब्रेड लेते हो आप, सारी मैदा की चीज़ें होती हैं, और मैदा हमारे शरीर को फुलाता है, मोटा करता है। घर में जो भी हमारा नाश्ता है वो हमें करना चाहिए। फुलका ले लो आप एक मक्खन के साथ, और उसके बाद 1 गिलास दूध पियो। अगर ब्रेड लेनी है तो 1 ब्रेड लो और 1 गिलास दूध लो। उसके बाद हमें फ्रूट ज़रूर खाना चाहिए। फ्रूट नहीं खाते तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी आज एक पौष्टिक चीज़, सबसे ज़्यादा पौष्टिक और गरीबों का भी और अमीरों का भी सबसे बेस्ट भोजन है। ये देखिए आपने पहचाना होगा क्या है, ये है मूंग और ये है चना। ये गरीबों के बादाम है, और ये हमारा सबसे पौष्टिक भोजन नाश्ते का। हम इसको 1 कटोरी लिया हमने और ये पानी में भिगो दिया, 1 कटोरे में भिगो के रात को रख दिया, और ये 2 कटोरे में हमने मूंग की दाल भिगो दी। चना और मूंग सबसे ज़्यादा पौष्टिक है हमारे शरीर के लिए। अंकुरित चीज़ें बहुत फ़ायदा करती हैं। मूंग की दाल में 22 गुण होते हैं, और हम फ्रूट नहीं खा सकते, हम दूध नहीं ले सकते, कितने लोगों को दूध नहीं अच्छा लगता,
तो आप फ्रूट नहीं अच्छा लगता, लेकिन चने की दाल वो चना और मूंग की दाल, मूंग साबुत, इनको भिगो दो, रात को गुनगुने पानी में भिगो और सुबह पानी निकाल के इसको प्लेट से ढक दो। एक कपड़ा ऊपर से, वाइट कपड़ा मतलब कोई भी साफ कपड़ा इसके ऊपर लगा के, सर्दी है इसलिए, गर्मियों में तो आप इसको पानी निकाल के ढक दोगे शाम तक अंकुरित हो जाते हैं, लेकिन सर्दियों में इतनी जल्दी अंकुरित नहीं होते। तो मैं नीचे कपड़ा बिछा देती हूँ, ऊपर कपड़ा मतलब इसके ऊपर ढक देती हूँ कपड़ा, और उसके ऊपर प्लेट ढक देती हूँ। थर्ड डे आज हमने भिगोए हैं, रात को सुबह पानी निकाल के इनको अंकुरित के लिए रख देती हूँ, नेक्स्ट डे इनमें अंकुर निकलने शुरू हो जाते हैं। इससे आपके आँखों की रोशनी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, आँखें कभी कमजोर नहीं होगी अगर आप मूंग दाल अंकुरित अपने बच्चों को खिलाएंगे तो। और बादाम अगर आप ले सकते हो, खरीद सकते हो, तो आप बादाम भिगो दीजिए हर रोज़ 5 या 6 गिरी, अपने बच्चे को 4-5 बादाम की गिरी, 1 मुट्ठी अंकुरित दाल और 1 मुट्ठी चना। अगर आप अपने बच्चे को 6 साल से शुरू कर दो ये खिलाना, और जब तक वो खा सके इसको चबा चबा के खा ले, मैं गारंटी से कहती हूँ कि आपके बच्चों की आंखें कभी भी कमज़ोर नहीं होंगी, क्योंकि मूंग में 22 गुण होते हैं, सबसे पौष्टिक आहार माना जाता है मूंग। अगर बीमार होते हैं तो भी डॉक्टर कहता है मूंग की दाल और फुल्का दे दो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा डाइजेस्ट होता है और उससे सारी बीमारी में भी काम आता है, स्वस्थ होता आदमी। अगर आप मूंग दाल खाना शुरू कर देगा बीमारी नहीं होगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो ये था हमारा आज का स्टार्टिंग, सुबह जल्दी उठना है, गर्म पानी पीना है और अंकुरित दाल और चने खाना है। आज मैंने इतना ही बताऊंगी, कल से बताऊंगी कि पानी पीने के बाद आप क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे वार्म अप करना है, कैसे उठना है, कैसे जाना है। तो भाई यही हमारे शरीर का राज है कि हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे मस्त रह सकते हैं। तो कल बताऊंगी कैसे वार्म अप करना है और कितने बजे आपको क्या क्या खाना है। ये मॉर्निंग का बताया, पानी पीना है, नाश्ता करना है, उसके बाद 10 बजे हमें ये अंकुरित चीज़ें खानी है। उसके बाद आपका लंच होगा, लंच प्रॉपर करना है, पेट भर के लंच करना है, खूब अच्छे से लंच करना है जितना आप खा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें वर्कआउट करना होता है। लस्सी लीजिए, छाछ लीजिए उसके साथ, या दही लेते हैं तो एक दाल लीजिए, एक सब्जी लीजिए। अगर एक नहीं है तो मैं तो एक ही सब्जी के साथ फुल्का खाती हूँ, लेकिन एक प्लेट सलाद, इन दिनों में तो बड़ा अच्छा सलाद है भाई, मूली गाजर टमाटर भर पेट खाओ, फुलके कम खाओ, एक प्लेट सलाद खाओ। तो हमें 2 बजे हम भोजन करते हैं, 1 बजे भी कर सकते हो, 2 बजे भी कर सकते हो, लेकिन पेट भर के भोजन करना अच्छे से, क्योंकि रात को फिर से आपको हल्का खाना खाना है। रात को 8 बजे से पहले खाना खाइए, हल्का खाना खाना, 1 कटोरी दाल और 1 फुल्का या 2 फुल्के खाओ रात को, और उसके बाद आधा घंटा वॉक करो। तो ये था आज का छोटा सा व्लॉग, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मैं बताऊंगी ये कैसे अंकुरित हो जाते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, किस तरह से आप इनको खाएंगे। तो भाई ये था आज का व्लॉग, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय।